हेलो फ्रेंड्स आज मैं सूखे अपराजिता के बारे में कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ सूखे अपराजिता को के हम हरा भरा कैसे कर सकते हैं और फिर से फ्लावरिंग कैसे आना चाहिए उसी के बारे में मैं कुछ बताती हूँ ये देखिए एक तो मेरा ये अपराजिता बहुत पुराना हो गया और ये सूख रहा है एक तो इसकी केयर ठीक से हो रही नहीं है और ये देख पलियाँ भी मैंने कभी बीच बीच में तोड़ी नहीं है उसकी वजह से भी ज़्यादा फूल नहीं आ रहे और ये दो साल पुराना गमला है इसको ज़रूर बाउंड हो गया है इसीलिए भी फूल नहीं आ रहे और सूख रहा है क्योंकि उसके जड़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उसको फ्लावर एंड न्यू पत्तियाँ आने में बहुत दिक्कत हो रही है तो एक तो मुझे उसका पॉट चेंज करना है तो वो पॉट चेंज करने के बाद ये भी हरा भरा बहुत बढ़िया हो जाएगा और ये वेल वर्गीय है इसको हमेशा सपोर्ट देना है सपोर्ट देने से ये बहुत ही बढ़िया बढ़ता है देखिए मैंने आ, आम की डहनी लगाई है इसको सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जितना आप सपोर्ट करेंगे वहीं पे ये इसे चल वेल चल ऊपर चढ़ता रहेगा तो यहाँ देखिए ये छोटा सा मेरा गमला है और इसी मैंने बहुत अच्छे से केयर किए प्रूनिंग किए हैं और उस दिन मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसके सभी फलियाँ तोड़ दी आज देखिए दस आठ दिन ही हुआ नहीं है तो देखिए कितना ग्रोथ कर रहा है फ्लावर देखिए इतने से छोटे से पेड़ में कितने सारे फ्लावर्स लग रहे हैं ये देखिए इतने सुंदर फ्लावर कलर भी बहुत प्यारा है और इसकी केयर करना है जैसे है अभी देखिए ये कल एक फ्लावर्स आया और मुरझा गया है इसको तुरंत तोड़ देना है नहीं तोड़ेंगे तो इसमें फलियाँ आएंगे और फलियों से है ना फ्लावर्स बहुत कम हो जाएंगे तो अपने को तो पहले उसके जैसे फ्लावर्स आते हैं तो तोड़ देना है क्योंकि पूजा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है वास्तु दृष्टि से भी बहुत शुभ पौधा है लकी पौधा है शिव जी और विष्णु भगवान जी को तो बहुत ही प्रिय फ्लावर्स है तो आप डेली फ्लावर्स इसके तोड़ सकते हैं और जैसे हमें ब्रांच इसको बूसी बनाना है तो ऐसे जो नोट एरिया इसको ऐसे काटने से यहाँ से दूसरी ब्रांच तैयार हो जाएगी और ये बूसी होता जाएगा और बहुत ही ऐसे फ्लावर्स आएंगे देखिए चार पांच दिन ही हुए तो कितना अच्छा रिजल्ट आया है मेरे अपराजिता को फ्लावर का कलर भी देखिए यहाँ एक सफ़ेद अपराजिता है ये देखिए इतना छोटा सा है ये भी देखिए कितना अच्छा बढ़िया हो रहा है देखिए कलिया भी आ रही है तो हमें इसको अच्छा और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए अनगिनत फ्लावर्स के लिए हमें क्या कौन सा फर्टिलाइज़र देना है उसके बारे में मैं बताती हूँ एक तो इसको मिट्टी अच्छी होनी चाहिए जब हम लोग गमला बनाते हैं तभी इसमें सभी प्रकार के खाद मिक्स करके डालना है रेत सैंड वर्मी कंपोस्ट किचन कंपोस्ट थोड़ा साइज मैं राख या मैं हल्दी का पाउडर डालती हूँ ये देखिए मैंने कोयले के टुकड़े भी डालती हूँ ये भी बहुत अच्छा रहता है और पूरा मेरा किचन कंपोस्ट है तो मेन तो उसका Uh, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और इसको मिट्टी को हमेशा मॉइस रखना ज़रूरी है ज़्यादा सूख जाने से मिट्टी फ्लावर्स नहीं आते और पत्तियाँ भी सूख जाती है तो इसको हमेशा पानी देते रहना है और ड्रेनेज होल बहुत बढ़िया रखना है ड्रेनेज होल ठीक नहीं रहेगा तो अपने फंगस आ जाएगी नीचे से रूट सड़ जाएंगे तो और एक तो हम uh, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए पूरा uh, और उसके बाद हमें फर्टिलाइज़र देना है तो प्याज का फर्टिलाइज़र बहुत बढ़िया रहता है मैं अक्सर सभी पौधों को देती हूँ और प्याज के छिलके तो सभी के घर में रहते हैं वो बहुत फ्री का है या हम लोग प्याज नहीं खाते तो दुकान में प्याज के छिलके बहुत आसानी से फ्री में मिल जाते हैं मैं काफ़ी प्याज के छिलके लेके आती हूँ दुकान से फ्री में जब घर पर नहीं रहते हैं तो उसको भी दो तीन दिन पानी में भिगो के रख दीजिए और वो आधा लीटर पानी एक जैसे कटोरी भर छिलके रहे से आधा लीटर पानी में दो दिन भिगो के रखिए दो के तीन चार दिन भी चल जाएगा मैं ऐसे काफ़ी वीडियो भी शेयर किए हैं प्याज के तो वो भी हम लोग उसमें कुछ जैसे आधा लीटर लिक्विड है तो उसमें दो ढाई लीटर पाँच पट पानी डाल के हम अपने पेड़ पौधे को दे सकते हैं उसमें बहुत पोटेशियम नाइट्रोजन फास्फोरस सब रहता है प्याज के पौधे में जो प्याज है वो बहुत बढ़िया रहता है फ्लावर्स के लिए उसमें बहुत पोटेशियम रहता है और नेक्स्ट मेरा फर्टिलाइज़र है सरसों की खली सरसों की खली मैं सभी पौधों को देती हूँ बहुत बढ़िया रहता है एक तो मार्केट से हमें जहाँ पे तेल बनता है वहाँ पे बहुत ही चालीस रुपये के से मिल जाती है सरसों की मस्टर्ड केक तो हम हमें उसको थोड़ा सा सो पचास ग्राम भी लेने से ये देखिए ये पुराना मेरा सरसों की खली है मैं काफ़ी एक साथ लेके आती हूँ चालीस रुपये के से तो काफ़ी समय तक चल जाती है और इतना सा भी ले, लेने से भी बहुत पेड़ पौधे को आ, काम में आ जाता है तो पचास ग्राम जैसे पचास सौ ग्राम अंदाजे भी ले सकते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो उसे पानी में दो तीन दिन भिगो के रखिए फिर उसमें पाँच दस पट पानी मिला के सभी पेड़ पौधों को देना चाहिए उससे ना सरसों के खली में लिक्विड में बहुत एन के पूरा उसमें सब कुछ रहता है पेड़ पौधों के लिए जो होना चाहिए तो ये देखिए सरसों का खली का भी रिजल्ट मैंने डाला है देखिए कितने बढ़िया फ्लावर हुए हैं कलर भी कितने सुंदर है बहुत ही हेल्दी फ्लावर्स बना है और हम लोग सूखा पाउडर फॉर्म में भी बना सकते जैसे एक चम्मच इसी इसी को पाउडर करके मिट्टी के अंदर दबा देने से जैसे यहाँ पे इसे डाल दो और मिट्टी ऊपर कर दीजिए तो वो भी एक बहुत फ़ायदा होता है यहाँ देखिए मेरा फिर से अपराजिता का अपने आप ही निकल गया जैसे ही इसके सीड्स गिरते रहते हैं एक कहीं भी निकल जाता है ये देखिए ये हल्दी के इसमें निकल गया है ये इसको मैंने लगाया नहीं जैसे वो फलियाँ आ जाती उसी के सीड्स गिरते रहते तो ऐसे अपराजिता पेड़ आ जाते हैं और इसे सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है ज़्यादा अपने को बूसी करना है तो एक तो पिंचिंग करिए अच्छा फर्टिलाइज़र दीजिए बीच बीच में डेली एक एक टाइम पानी तो देना ही है ऐसे ही हमारे पेड़ पौधे की अगर केयर करें तो बहुत सारे आप फूल पा सकते हैं तो मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हैप्पी दिवाली दीपावली के सभी को शुभकामनाएँ